हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं यति और एज यूजुअल साथ में है हमारी बर्थडे ट्रैकर टीम और हम आज आपको लेके आए हैं पार्वती कुंड में, जो कि सात पास से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर 4100 मीटर एल्टीट्यूड पे एक ग्लेशियल लेक है, जो कि साल के लगभग 6 महीने या तो बर्फ में दबी रहती है या जमी रहती है। और ये इसी माउंटेन रेंज पर दूसरी लेक जो कि चामुंडा लेक है, उससे सर्कमफ्रेंस वाइज भी काफ़ी बड़ी लेक है। तो अपनी बर्थडे ट्रैकर टीम के साथ आज हमारा साथ देने आए हैं हमारे मुकेश भाई। थोड़ा सा उधर देख के आप हेलो करिए प्लीज। हेलो कर दीजिए। तो ये मुकेश भाई हैं, स्वागत है। जैसा कि पूरी टीम का हौसला है वैसा ही हौसला भाई ने दिखाया और बिल्कुल आराम से इन्होंने ये ट्रैक कंप्लीट किया है। तो कैसा लगा भाई? बढ़िया था। बढ़िया। क्या दोबारा कभी आपको मौका मिले हमारे साथ चलने का तो आप चलोगे? जरूर चलेंगे। बिल्कुल, ये तो सभी आना चाहते हैं। तो कैसे हम इस पूरी ग्लेशियर लेक में पहुंचे हैं, कैसे आपको यहां तक आना है, पूरा रास्ता हम आपको बिल्कुल डिटेल में दिखाएंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो पार्वती कुंड जाने के लिए आपको सतरुंडी आना है, जो कि चंबा सातपास रोड पे लगभग 107 किलोमीटर दूर है चंबा से, और सातपास से 13 किलोमीटर। तो गाइस, ये है सुबह सुबह का सतरुंडी का व्यू और ये है शर्मा ढाबा सतरुंडी में। यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप कैंप कर सकते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे ऊपर अपना कैंप सेट किया है। यहाँ से भी आप अपनी हाइक स्टार्ट कर सकते हैं ऊपर को, इस साइड को, या फिर ऊपर से रास्ता है। अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और हम भी यहाँ से ब्रेकफास्ट करके ही आगे की तरफ निकलेंगे, हमारी सारी बाइक्स बर्थडे ट्रैकर्स की। और ठंड के कारण एक बार फिर से चैलेंजिंग हो गया है। बिल्कुल। और ये बर्थडे ट्रैकर्स के साथ हमारे मुकेश भाई आज जुड़े हैं, हमारा साथ देने आए थे। और इनके जुनून का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये उधर दुकान पे बैठे हुए थे शिकारी मोड़ के पास जब हम इनके पास आए और हमने बोला कि हम ऐसे जा रहे हैं ऊपर ट्रैकिंग के लिए, और उन्होंने फटाफट शटर डाउन किया, बोला मैं भी आ रहा हूँ। चलो, ऐसा जुनून जो है बंदों में, वही बर्थडे ट्रैकर टीम का हिस्सा बनने के लिए जो है वो चाहिए कि बंदा एकदम से तैयार हो जाए। बिल्कुल। तो रात को मुकेश भाई भी हमारे साथ ही रुके थे। मुकेश भाई कैसी कटी रात? बड़ी पूरी फर्स्ट नाइट थी कैंप में। तो मुकेश भाई की जो टैग लाइन मुझे याद होगी, अकबर का एक्सपीरियंस। अकबर का एक्सपीरियंस था अपना। और अभी बाइक्स वगैरह हम स्टार्ट कर रहे हैं, दो तो हो गई हैं, लेकिन हमारी जो एज यूजुअल जो हमारी टार्जन है, हमारी लीड करने वाली है, टार्जन है हमारी, वो एज यूजुअल किक्स पे किक्स 100-200 अभी कुल मिला के हो गई हैं। अभी अब थोड़ी देर में यदि कैमरा मुझे पकड़ाएगा और देखना 500 जब मैं किक्स मारूंगा तभी स्टार्ट होगी। अब देखते हैं। चलो। तो गाइस, ये आपको दिख रहा है सातपास, और इसके यहाँ ये देखिए जहाँ से सनराइज हो रहा है, इसके नीचे यहाँ पे लेक है और वो नीचे सतरुंडी है। सतरुंडी से ऊपर आप ये सेकंड कर्व, यहाँ से भी एक थोड़ी सी आपको नीचे से चढ़ाई जो है नीचे से बच जाएगी, एल्टीट्यूड गेन हो जाएगा आपको 100-200 मीटर का। तो आप भी यहाँ से आ सकते हैं। ये देखिए, हमने बाइक्स वगैरह पार्क कर दी हैं, और ये देखिए पिंटू भाई लीड करते हुए फिर से आगे, संदीप सर,
विनय भाई और मुकेश भाई। तो ये देखिए यहाँ से ये छोटा सा रास्ता है, इसी के साथ ये सीधे सीधे हमें जाना है सामने उस तरफ को, तो वो रोड है। और ये देखिए यहाँ से आपको ऐसे क्रॉस करके, तो ज़्यादा चढ़ाई नहीं रहेगी इस रास्ते से अगर आपको आएंगे तो। ये देखिए इस साइड को, और वो क्रॉस करके यहाँ से फिर ऐसे ऊपर को जाना है। तो वो नीचे है सुदरुंडी बेस कैंप, और वो शर्मा ढाबा देख रहे हैं आप। गाड़ियाँ काफ़ी अब आने स्टार्ट हो गई हैं, सुबह के 8:30 हो चुके हैं। हम 8:30 बजे हमने रोड से चलना स्टार्ट किया, और देखते हैं कितने घंटे लगते हैं हमें। ये यहाँ से देखिए ऐसे ऐसे जाना है। तो ये मेरे चारों टीममेट देखिए, ऐसी उम्मीद नहीं थी, त्रे ढूंढ रहे हैं कैसे बड़े ट्रैक कर रहे हैं। अभी अक्टूबर में फ्लावर्स वगैरह तो यहाँ पे कम हो गए हैं, लेकिन अगर आप अगस्त और सितंबर, अगस्त में आएंगे मतलब, तो काफ़ी जुलाई अगस्त में फ्लावर्स यहाँ पे होते हैं, और उससे पहले नहीं। जून में तो यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ ज़्यादा होती है, तो शायद आपको रास्ता ना मिले। तो जुलाई से अक्टूबर तक, अक्टूबर ये लास्ट है, अक्टूबर में भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि कई बार यहाँ पे स्नोफॉल हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ से आपको रास्ता ढूँढने में मुश्किल होगी क्योंकि कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है। ये देखिए आपको ये है नीचे सतरुंडी बेस कैंप, यहाँ से अगर आप चढ़ेंगे सीधे, ये देखिए चढ़ाई ऊपर को, और सीधा वो जहाँ पे मेरे दोस्त पहुँचे हैं उसके सामने, ये सीधा बस आगे की तरफ जाना है और ऊपर इसकी तरफ चढ़ना है पहाड़ की तरफ, तो आपको लेक मिल जाएगी। तो साच पास को ये देखिए काफ़ी गाड़ियाँ साच पास की तरफ जाने स्टार्ट हो गई हैं, और व्यू तो आपको पता ही है काफ़ी सुंदर यहाँ का व्यू है। और ये देखिए ये अब फूल सूख रहे हैं, लेकिन इनका कलर भी काफ़ी अच्छा है, सितंबर में भी ये खिले रहते हैं फूल यहाँ पे। और अभी बस ये ग्रास का कलर भी चेंज हो रहा है, आपको पता ही है ऑटम सीज़न में किस तरह से। और ये व्यू सारा, और ये साच पास के नीचे से ही लगभग पानी आ रहा है, ये सारा साच पास है, ऊपर देख रहे हैं यहाँ से क्रॉसिंग है, और यहीं से पानी आता है, और ये सीधा सतरुंडी तक नाला जाता है। और ये भी साच पास के बिल्कुल नीचे ही देखिए, काफ़ी सुंदर ये भी ग्राउंड है कैंपिंग के लिए, आप देख ही सकते हैं कितना बड़ा है। मेरे टीममेट्स वहाँ पे फ़ोटो शूट कर रहे हैं, और ऑक्सीजन कम है तो आप मेरी आवाज़ से देख ही सकते हैं कितने सांस लेके मुझे बात करनी पड़ रही है। और वो देखिए यहाँ से साथ में ही आपको ये साच पास की रोड दिखती है ऊपर, काफ़ी ज़्यादा मोड़ है यहाँ से, और ये जो दूसरा ही मोड़ था नीचे सतरुंडी से, वहाँ से हम आए हैं सीधा पैलर, यहाँ से रास्ता है। अगर नीचे से आएंगे तो थोड़ी सी चढ़ाई बननी थी, तो थोड़ा इजी करने के लिए हम ऊपर से आए, लेकिन आप सतरुंडी से आ सकते हो। वो देखिए सतरुंडी से अगर आपको सीधे इस तरफ को ऊपर आना है, तो आप ये लाइन सी देख रहे हैं ना, ये है जियो फाइबर की है शायद, यहाँ पे ये देखिए पाइप वायर्स है, तो इसके साथ साथ भी आप यहाँ आधे रास्ते तक ऊपर आ सकते हैं। और यहाँ तक आपको आना है, फिर यहाँ से इस साइड को जाना है जहाँ से सनराइज़ हो रहा है ना, इस साइड को, तो सीधे मतलब ऊपर को चढ़ना है, वो सतरुंडी है। और वहाँ से अब ये मेरे फ्रेंड्स देखिए नीचे से चढ़ाई कर रहे हैं, तो वो देखिए साच पास के इस साइड अब काफ़ी कम ही ग्लेशियर रह गए हैं, दूसरी साइड को थोड़े ज़्यादा होते हैं, इस साइड को धूप ज़्यादा रहती है तो जल्दी पिघल जाते हैं। और ये है साच पास, और यहाँ से भी आप इस लेक का ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से आपको
पहले नीचे उतरना पड़ेगा क्योंकि आप उस पहाड़ पे तो चढ़ नहीं सकते और रास्ता है नहीं। तो यहाँ से आप नीचे को आएंगे, फिर से आपको यहीं आना पड़ेगा जहाँ पे अभी मैं हूँ। यहाँ तक आप पहुँचेंगे पहले उतर के, फिर यहाँ से आगे को फिर से चढ़ाई लगानी पड़ेगी क्योंकि ऊपर ऊपर से आना तो रिज से काफ़ी मुश्किल है। तो एक तो सात पास से, दूसरा आप वो देख रहे हैं वहाँ हमने बाइक्स पार्क की हैं, वहाँ से आ सकते हैं या फिर सीधे सुतरुंडी से ही आए बेस कैंप में। वहाँ आपको खाने पीने का भी शर्मा ढाबा में सब कुछ मिल जाएगा। सुबह जल्दी कीजिए, मेरे टीममेट्स तो थोड़े लेट स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप सुबह जल्दी कीजिए। तो अभी धूप काफ़ी तेज़ होती है और ठंडी हवा भी अभी अक्टूबर में यहाँ पे काफ़ी तेज़ आती है। इस बार थोड़ा मौसम आपको पता ही है, बरसात भी नहीं हो रही तो साफ़ है मौसम, और अभी स्नोफॉल स्टार्ट नहीं हुआ, नहीं तो इस टाइम अभी अक्टूबर में स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे ठंड भी अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ठंडी हवा और ये जो धूप होती है पहाड़ों की, ये बिल्कुल आपकी स्किन को जला देगी और आपकी स्किन निकल जाएगी। तो स्किन को ढकने का इंतज़ाम कर लें पूरा। और मेरे दोस्त अभी पीछे हैं, तो आप में से कुछ लोग बोलते हैं कि भाई साथ में रहा करो पूरी टीम, ताकि किसी को कुछ हो ना जाए, कभी तो दिक्कत आ सकती है। तो भाई मैं वैसे तो उन पे पूरी नज़र रखता हूँ, वो अभी पीछे हैं नीचे, तो मैं थोड़ा आगे आ जाता हूँ रास्ता देखने के लिए। क्योंकि जब भी हम कोई नई जगह एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो हमें एक्चुअल में रास्ता पता नहीं होता कि कहाँ से जाना है। क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ तो मैं रास्ता देखने के लिए आगे चला जाता हूँ, ताकि मेरे टीममेट्स को कोई दिक्कत ना आए और मैं उनको फिर आगे जाके, अगर मैं किसी लंबे रास्ते से गया हूँ तो उनको शॉर्टेस्ट रास्ता बता देता हूँ कि आप उस रास्ते से आए। तो मैं ऊपर से उन पर नज़र रखता हूँ और उनको रास्ता बताता रहता हूँ कि आप ऐसे ऐसे आएँ, तो उनके लिए ईजी हो जाता है और वो ज़्यादा ट्रैक को इंजॉय करने में ध्यान देते हैं और रास्ते रुस्तों को उनको टेंशन नहीं लेनी पड़ती, इसीलिए थोड़ा सा आगे चलता हूँ, बाकी कोई और वजह नहीं है। और वो देखिए आप पीछे, वो जो धार है वो है महलवार धार। यहीं पे महल नाग की लेक है जहाँ पे हमने अभी आपको ट्रैक करवाया था। और नीचे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है वो नोडल धार, काफ़ी सुंदर है। जो उसके बीच में यहाँ पे जानू ताल और ऊपर वहाँ पे महल नाग, तो ये दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगी चैनल पे, आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है। काफ़ी सुंदर जगह है वो भी, और ये तो भाई है ही अल्टीमेट। तो वो देखिए टीममेट भी ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। तो अगर आप ऊपर सांच पास से ये ट्रैक करेंगे तो आपको यहाँ से ऐसे नीचे आना पड़ेगा, और ये जो गली दिख रही है ये क्रॉस करनी पड़ेगी। देखिए मेरे टीममेट भी धीरे धीरे ऊपर को आ रहे हैं, और ये गली क्रॉस करके आपको जाना है यहाँ से ऊपर की तरफ। और ये देखिए इस तरफ का एक ग्रैंड व्यू, नीचे चुराह वैली और भनोटी नीचे दिख रहा है। मेरे दोस्त फिर से उस गली के पास ही देखिए फ्रूट ब्रेक लेने के लिए बैठ गए हैं, और मैं फिर से ऊपर की तरफ रास्ता देखने के लिए आ गया हूं। और आगे देखिए ये जो पानी आ रहा है ये वहीं लेक के अंदर से निकल रहा है, और जो आपको सीधा उस गली से फिर ये ऊपर की तरफ को आना है, क्योंकि इस साइड को पहाड़ है, पीछे खाई है। तो आपको सांच पास से भी, वो देखिए सांच पास वो है, वहाँ से आएंगे तो भी आपको नीचे पहले आना पड़ेगा, फिर ये गली क्रॉस करके फिर से यहाँ से चढ़ाई लगानी पड़ेगी। तो आपकी मर्जी है, वैसे ऑलमोस्ट बराबर ही है, लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी लेके आए हैं तो सात पास से आएंगे तो फिर आपको गाड़ी लेने ऊपर जाना पड़ेगा, उससे अच्छा आप नीचे से आएँ, एक साइड से चढ़ाई रहेगी फिर आपको नीचे ही जाना है वापस। तो अभी मैं इसी रास्ते ऊपर की तरफ को चलूँगा ऐसे, और वो देखिए ऊपर आपको निशान के लिए, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है इस कैमरे में, थोड़ी दिख नहीं रहा, लेकिन वहाँ पे एक डंडा जैसा लगा हुआ है और पत्थर खड़े किए हैं, इसका मतलब होता है ये रास्ता दिख जाए इसलिए बनाए होते हैं।
तो बस वहीं जाना है। झंडा तो है नहीं उसके ऊपर, लेकिन डंडा ही है एक। तो चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ। इस रिज से आपको ये डंडा जैसा दिख रहा है, इसमें झंडा था लेकिन अभी वो चुन्नी धूप और बर्फ़ से शायद गल गई। यहाँ पे छोटा सा ये मंदिर है भोलेनाथ और पार्वती माता का। और इस मंदिर के पीछे ये आप देखिए, ये है ग्लेशियर लेक, जिसको पार्वती लेक भी बोलते हैं। यहाँ पे पार्वती माता को मतलब ये समर्पित है, यहाँ के लोकल लोग मानते हैं। तो साच पास के पास ही ये ग्लेशियर लेक है, काफ़ी बड़ी है। तो मैं तो यहाँ पे सतरुंडी से 2 घंटे में पहुँच गया, 8:30 बजे चले थे और अभी 10:30 हो रहे हैं। तो अभी टीम को देखते हैं कितने टाइम में वो पहुँचते हैं, लेकिन ये भी 2.5 घंटे में तो पहुँच ही जाएंगे। तो देख लीजिए 2 से 3 घंटे में आप इसको आराम से कर सकते हैं। और देखिए बिल्कुल नीला पानी है और ये आप देख ही रहे हैं, अभी थोड़ी धूप लगी है तो शायद ये पिघल रही है, नहीं तो ऊपर से जम गई है। अब अक्टूबर का मंथ है तो ये जम गई है। और पीछे आप ग्लेशियर देख रहे हैं, इसी ग्लेशियर का पानी इसमें पिघलता रहता है। वो देखिए ये इन पत्थरों के नीचे ये सारा ग्लेशियर है, पत्थर के नीचे जो अभी टूट रहा है। इस बार तो काफ़ी ज़्यादा बारिश भी नहीं हुई और मौसम भी धूप ज़्यादा रहती है। तो ये देखिए पूरी निकल आई है लेक, काफ़ी सुंदर ये लेक है। देखिए बिल्कुल नीला पानी है, ये टील कलर का, सॉरी नीला नहीं है। और पीछे ये देखिए सारी चुराह वैली का वो बनौटी, और पीछे त्रेला का थोड़ा ऊपर एरिया दिखता है, और वहाँ से वो पीछे सारी महलवार धार, और इस साइड को आप देखेंगे ये सारी साच पास की रोड जा रही है ऊपर, और काफ़ी सुंदर ये व्यू दिखता है। बस इस साइड को ये आपको पहाड़ दिखेंगे, ये साच पास वाली रेंज पीर पंजाल, और बिल्कुल पहाड़ के नीचे ही ग्लेशियर है, और इसी के साथ ये लेक है, काफ़ी सुंदर है। तो वहाँ पे भी एक नीचे मंदिर है, मैं वहाँ पे भी जाके दिखाता हूँ आपको। तो मेरे टीममेट्स अभी वो पहुँचे हैं नीचे, वो देखिए, और बस रेस्ट कर रहे हैं। आप भी इस तरह से रेस्ट करते करते आएंगे तो मुझे लगता है आपको 3 घंटे लगेंगे, तो ये भी शायद यहाँ पहुँच ही जाएंगे। तब तक मैं आपको लेक का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए किस तरह से इसकी अपर लेयर बिल्कुल जम गई है, और इस साइड को अभी धूप लगने स्टार्ट हुई है, तो देखिए इस साइड से ये पिघल गई है ऊपर से, और उधर अभी धूप लगी है तो इस साइड को अभी पिघलने में टाइम लगेगा शायद। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पे देखिए काफ़ी आते रहते हैं और काफ़ी मानते हैं इस जगह में, ऐसी मान्यता है कि बोलते हैं ज़्यादा यहाँ पे ज़ोर से आवाज़ नहीं करनी होती, ज़ोर से चीखना या चिल्लाना नहीं होता है, बिल्कुल शांति यहाँ पे मेंटेन रखनी है, तो लोगों की ऐसी ऐसी मान्यता है। ये देखिए धूप वगैरह यहाँ पे लगाया हुआ है, और शिवलिंग जैसा यहाँ पे एक रखा है, देखिए जमी हुई लेक पूरी, ये जमी हुई है या नहीं मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बिल्कुल यहाँ पे टूट नहीं रही, ये देखिए पत्थर से मैं तोड़ने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए काफ़ी मोटी यहाँ पे, कम से कम अरे अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 1-2 इंच की ये जम चुकी है, और सिर्फ वहाँ जैसे थोड़ी सी पिघली है जहाँ पे धूप अभी ज़्यादा थी, और अक्टूबर के एंड में तो ये पूरी तरह से जम जाएगी, और फिर ऊपर से स्नोफॉल होनी स्टार्ट होगी, तो फिर तो आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पे आ नहीं सकते आप। तो अक्टूबर लास्ट है, और जुलाई में आप आना स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ, जुलाई से अक्टूबर बेस्ट टाइम। बाकी अगर आप स्नो हाइकिंग आपने पहले की है तो आप बाकी टाइम में भी अपने हिसाब से देख सकते हैं। और यहाँ से ये पानी देखिए नीचे सतरुंडी से पीछे जो आपको 2-3 झरने दिखते हैं जो वहाँ पे जाके गिरता है, तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे अभी धूप लगी है,
तो ये चट्टानों के ऊपर देखिए पानी बिल्कुल यहाँ पे जम गया था। तो आपको पता ही है यहाँ पे माइनस तक टेम्परेचर जाता है, नीचे से ठंडी में भी 0 तक पहुँच गया था रात को। अभी यहाँ पे धूप लगी है तो अभी ये पिघलना स्टार्ट हुआ है और फिर से नीचे की तरफ ये पानी जा रहा है। ये यहाँ पे एक बड़ा मंदिर बनाया है लेक के साथ ही, आप देखिए शिवलिंग भी रखा हुआ है यहाँ पे और त्रिशूल वगैरह चुन्नियाँ चढ़ाई हुई हैं। तो ऐसे ही सारी लेक्स को, जैसे आपको पता है हिमाचल में पूजते हैं, ऐसे ही इसको भी पूजते हैं। और यहाँ आपको साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें, कुछ भी आप यहाँ पे लेके आएँ तो प्लीज़ यहाँ से लेके जाइए। और जितनी ये देखिए अनटच्ड जैसे लगती है ये, वैसे ही इसे रहने दें। पर यहाँ पे लोकल लोग पूजा करने चुराह वैली से काफ़ी आते रहते हैं। वो देखिए टीममेट भी हमारे पहुँच गए हैं पूरे 11 बजे, यहाँ पे 8:30 बजे चले थे, 2.5 घंटे में ये भी पहुँच गए, बिल्कुल आराम से आए। तो आप आराम से देखिए 2.5 घंटे में इसे कर सकते हैं, कोई इतना टफ तो नहीं बोल सकते इसे। बस एल्टीट्यूड ही ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है, अगर आप लो एल्टीट्यूड से आ रहे हैं तो, या हाई एल्टीट्यूड पे पहले कभी गए नहीं हैं तो शायद थोड़ी आपको दिक्कत आए, लेकिन वैसे ही ये ईजी हाई एल्टीट्यूड ट्रैक है। तो सारी टीम देखिए पहुँच गई। और ये देखिए अभी यहाँ पे ग्लेशियर बरसा, बम बम बोले भाई, हल्ला नहीं हल्ला नहीं, हल्ला अलाउड नहीं है यहाँ पे। पीछे ग्लेशियर है, अभी थोड़ा सा वो टूट के धसा वहाँ से। और ये देखिए पानी बिल्कुल, ये बर्फ जमी हुई थी तो हाँ ऊपर की तरफ नहीं, ओ ग्लेशियर धसा गुरजी, अभी ग्लेशियर धसा। ग्लेशियर धसने के बाद भाई ये पानी जो ऐसे हुआ, देखो देखो पूरे अंदर अंदर लहर आ रही है ना, और ऊपर से इसके ये देखिए, हाँ हाँ ये देखिए देखिए किस तरह से ये ऊपर उठ रही है पूरी ये बर्फ़ की चादर। ये देखिए देखिए पानी कितना ऊपर तक आ रहा है, वो देखिए पूरा हिल रहा है। इसीलिए भी शायद यहाँ पे ज़्यादा आवाज़ करना मना है कि ये ग्लेशियर यहाँ पे टूटते रहते हैं, आपको पता ही है। और पानी अब ऊपर की तरफ को पुश कर रहा है इस पूरी प्लेट को, इस साइड में तो देखिए टूट भी गई लेकिन बीच में पूरी जमी हुई है, तो पूरी ये देखिए कैसे हिल रही है वेव की तरह। देखिए टीम हमारी पूरी पहुंच गई है यहाँ पे और पूजा पाजा कर रही है। और ऊपर देखिए दो स्टार ये तो फोटो लेते रहते हैं हमारे। सर संदीप सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, अच्छी रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई एल्टीट्यूड की? तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो मेन तो वही है अगर कहीं नीचे एल्टीट्यूड से आ रहा है तो उसको वो हो सकती है दिक्कत, नहीं तो ईजी ट्रैक है, ज़्यादा इतनी चढ़ाई भी नहीं, 2-2.5 घंटे की आप आराम से कर सकते हैं। आपने तो बिल्कुल बीच में स्टॉप ले लेके आराम से किया, तो बड़ी एक बार में कर दिया हमने सर, एक बार में कर दिया हम, थोड़े चीते चीते क्यों बोलते हैं हमें। विनय भाई कैसा लगा आपको, कैसा लगा? बहुत अच्छा, दरअसल एल्टीट्यूड सिकनेस इसलिए नहीं हुई क्योंकि हम रात को एक हाँ, इसीलिए हमने वहाँ पे बेस कैंप पे सतरुंडी में हमारी बॉडी जो उसके अनुकूल होगी एनवायरनमेंट के ना, उसकी वजह से हमें एल्टीट्यूड का। तो आप भी आ सकते हैं लेकिन ठंड तो काफी होती है, हमारे मुकेश भाई बता सकते हैं कि रात को कितनी ठंड लगी। तो ठंड आपको ठंड से दिक्कत नहीं है तो आप रुक सकते हैं वहाँ, नहीं तो आप बैरागढ़ में रुकी, होटल आपको वहाँ पे स्टे मिल जाएगा। और हमारे परविंदर खोसला जी देखिए एज यूजुअल भक्ति में लीन पूरी तरह से। और पिंट भाई कैसा लगा, एक्सपीरियंस कैसा रहा ट्रैक का? लाहौल स्पीति में हम लोग जो गए थे चंद्रताल लेक का व्यू देखा था, बिल्कुल उसी के टक्कर की जो है वो लेक लगी, बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ व्यू यहाँ पे दिखेगा, और सोने पे सुहागा तो तब हुआ जब हमने यहाँ पे ग्लेशियर को लाइव जो है खिसकते हुए देखा, उसके बाद जमी हुई बर्फ की जो कड़कड़ आवाज थी लहर की जैसे बनती हुई, और बहुत थ्रिल जो है वो आया यहाँ पे। एक टाइम तो मैंने बैग उठा के ऐसे सोचा कि कहीं पानी ऊपर आ जाएगा हमें भागना पड़ेगा। नहीं सच में कुछ ऐसा लगा, लेकिन काफी बड़े ग्लेशियर हैं ये, देखने में आपको शायद कैमरे में छोटे लग रहे हो लेकिन ये
काफी बड़े ग्लेशियर हैं। और ये है वो हिडन ट्रेजर जिसको आप बोलते हो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जबरदस्त, ये सोचा नहीं था कितनी बार हम लोग साच पास से होके गए पर ऐसा कभी नहीं एक्सपेक्ट किया कि ऐसा कुछ व्यू हम लोग देख पाएंगे। इसको बोलते ना कि पूरा पैसा वसूल, और आना चाहिए पर हाँ थोड़ा सा ठंड वगैरह और मौसम यही है आइडियल। जून जुलाई के मौसम में नहीं आ सकते क्योंकि उस टाइम बर्फ से ढका होगा और धुंध भी काफी होती है तो आपको रास्ते में दिक्कत आएगी और क्लैरिटी नहीं होती। हाँ, सितंबर के बाद थोड़ा क्लियर हो जाता है मौसम, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर तक बस ये है बेस्ट, अक्टूबर लास्ट है फिर उसके बाद स्नोफॉल हो जाएगी। हां दादा बाइक कट दो ना, पानी पाओ, पानी भरो, पानी ये वाला पानी दे दो, ऐसे पीने दे दे यार, पण तो क्या करते, देखिए देखिए पण पण तो पानी पीते हुए। ये हमारे बड़े भाई और ये हमारे बिल्कुल मंजारी कौन है, परविंदर भाई जी पानी लेने जाते हुए। अपनी बलशाली भुजाओं से उठा के लाते हुए हमारे भाई सर। जी की कोई लगती नहीं लगती क्या एक पर लग रही साथ As usual, Maggie. अभी हम यहाँ पे कुछ देर रुकेंगे और ये देखिए लंच यहाँ पे करके जाएंगे तो अपने एज यूजुअल पिंटू भाई जो मास्टर शेफ है हमारे, बिल्कुल जो इस बार मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए कोरोना की वजह से। हाँ। इस बार हमें फिर से मिला मौका तो वो लगे हुए हैं हमारा मजाक की बात नहीं है, देखिए ऐसा भी होता रहता है बड़े बड़े ट्रैकरों के साथ, ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। ये देखिए कैमरा ब्रेकडाउन, बिल्कुल पानी में ये गिर गया अभी नीचे जो वाटर क्रॉसिंग थी वहाँ पे। ये देखिए बिल्कुल इसमें पानी पूरी तरह से भर गया है, ये लेंस देखिए, ये देखिए स्क्रीन वगैरह पूरी तरह से ये पानी में, एक डुबकी लगी। एक फोटोग्राफर जानता है कि ये कैमरा पानी में जाना क्या होता है, ये दर्द दर्द ये अंदर तक मार करता है। तो विनय भाई अब लेकिन जिंदगी इम्तिहान लेती है, बिल्कुल बिल्कुल एनी हाउ चल पड़ा तो ठीक है, नहीं चला तो क्या कर सकते हैं, बच्चे के लेंगे घर पे, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसे ऐसे बिल्कुल इंसिडेंट्स होते रहते हैं, इनको दिल पे ना ले, इनको दिल पे ना ले, चाहे इजी ट्रैक हो टफ ट्रैक हो, इतना मुश्किल होता है। आप देख ही सकते हैं आपको कहाँ से हम कंटेंट लेके आते हैं, बड़े ट्रैकर ये टीम ऐसा नुकसान काफी झेलना पड़ता है, ऐसे मंजर सामने आते हैं बिल्कुल। ये देखिए आप धूप लगा रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता इसका कुछ होने वाला है। नहीं अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सफर कंटिन्यू रहे, ऐसे हम अच्छी फोटोग्राफ्स और वीडियो आपके लिए लाते रहें, तो हमारे भाई के चैनल के नीचे एक अप्लॉज का बटन है, उसे दबा दीजिए, अपनी कंट्रीब्यूशन से आप नया कैमरा दिलवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और नहीं तो हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा शेयर होगी ज़्यादा लोगों तक जाएगी तो ऑब्वियसली हम ऐसे और भी गियर्स खरीद पाएंगे इन फ्यूचर। अभी तो काफ़ी कम कैमराज हैं, अभी देखिए जैसे हम पूरी वाइड आपको ये व्यू नहीं दिखा पा रहे हैं इसका, बिल्कुल इन कैमरों में थोड़ा ही दिखा पा रहे हैं, काफ़ी बड़ी लेके अगर ड्रोन होता हमारे पास तो आपको और अच्छा दिखता, ड्रोन होता 360 होता, हाँ एक्शन कैमराज होते, लेकिन अभी देखिए जो हैं वो भी इस तरह से खराब हो रहे हैं, करना पड़ता काफी बहुत बड़ी है, काफी रिस्क है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो देखते हैं, देखते हैं क्या बनता है। सर जिंदगी रही, जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी रही तो और आ जाएंगे ऐसे ऐसे हैं, क्या बोलते हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल और कमाएंगे। मेरी तो एक ही हमेशा उसमें रहता है कि ऐसे जिस तरह से रोड खराब है तो राइडिंग और ट्रैकिंग हम करते हैं। हाँ जी, तो मेरा तो हमेशा जो यंग जनरेशन के लिए की सुझाव रहता है कि डोंट मिक्स ड्रिंक एंड ड्राइव। वाह, सबसे बड़ी बात सीख यही देते हैं, रास्ता बड़ा खराब है कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो फिर बिल्कुल ध्यान रखें, स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स, अल्कोहल वाला नशे से, नशे से तो बिल्कुल ही दूर रहना है। इतनी हाई एल्टीट्यूड पे आएंगे आप तो बिल्कुल ही आप दूर रहेंगे। पिंट भाई कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? कहना चाहूंगा कि प्यार जो है वो आप लोग देख सकते हो, प्रकृति से प्यार भी करके देखो तो ये कभी धोखा नहीं देगी आपको। ये देखिए तो ए, 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 नहीं, मैगी तैयार है, ये संदीप सर देखिए खाना स्टार्ट कर दिया मैगी, कोई नहीं
और ये व्यू देखिए पीछे, और ये देखिए विनय भाई मैगी खा रहे हैं। इस व्यू के साथ मैगी का एंजॉय कुछ अलग ही है, थैंक्स टू पेंटू भाई। और वो देखिए लेक के ऊपर जमी हुई बर्फ के ऊपर आप देख रहे होंगे छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं। ये कैसे, ये पूरा झुंड है एक चिड़ियों का और जमी हुई लेक के ऊपर बिल्कुल चल रही हैं, ये कुछ ढूंढ रही है, पता नहीं क्या है यहाँ पे, कुछ दिख तो रहा नहीं हमें यहाँ पूरी इसे देखने, लेकिन वो पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। मैगी खाने के बाद ये देखिए यहाँ पे फोटोशूट चला हुआ है, पिंटू भाई वो जमा हुआ पानी क्रॉस करके देखिए पत्थर पे पहुँच गए हैं, और विनय भाई उनके शॉर्ट्स ले रहे हैं बढ़िया बढ़िया। नीचे देखिए सतरंगी हेलीपैड, और उस पहले मोड़ के बाद ये दूसरा मोड़ जो है, यहाँ पे हमने बाइक्स पार्क की थी, यहाँ से तिरछे तिरछे यहाँ तक आए थे, यहाँ एक गली है उसके फिर सीधे ऊपर चढ़े, तो 2 घंटे में मैं पहुँच गया था, 2.5 घंटे में मेरी टीम, 2.5 घंटे का इजी ट्रैक है। ये देखिए अभी हमने खा पी के सारा ये कैंप अपना जो भी था यहाँ पे लाए थे सामान पैक कर दिया, और जगह देखिए बिल्कुल जैसे हम आए थे वैसी ही जगह छोड़ के जाएंगे, सारा जो भी आप भी कुछ भी रैपर्स वगैरह लेके आएँ, मैगी बनाई जैसे हमने, तो वो वापस लेके जा रहे हैं। अब तो लाइट वेट हो गया है, बिल्कुल भी उनका भार नहीं होता, इसी तरह से आप भी कीजिए और इस सुंदर लेक को सुंदर रखने में सहयोग दें। तो गाइस अब हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं वापस तुरुंडी को, तो आई होप आपको ये जगह अच्छी लगी होगी, लेक अच्छी लगी होगी, और वीडियो आपने एंजॉय की होगी, तो एंजॉय किया तो क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है चैनल को, और बेल आइकन जो है वो दबाना ना भूलें, और आपसे बट्टे ट्रैकर टीम फिर मिलेगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।